1857 का संग्राम हरियाणा के वीरों के नाम नाटक के माध्यम से देश की आजादी में हरियाणा के शूरमाओं की कुर्बानी को किया याद। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में अहम योगदान देने वाले सदरुद्दीन मेवाती पर एक गीत प्रस्तुत किया गया जिसके बोल थे कि मैं अच्छी नहीं हुई इसलिए हम लगान भी नहीं भर पाए और ये अंग्रेज सिपाही हमारे हल बैल सब ले गए महाराज सब ले गए मदद महाराज मदद महाराज महाराज करने को कोई काम नहीं है महाराज बाहर अगर काम मिलता भी है अंग्रेज पूरा मेहताना नहीं देते महाराज मदद कीजिए महाराज महाराज घर पे खाने का इनका एक भी दाना नहीं है बच्चे भूख से तड़प रहे हैं महाराज मदद महाराज महाराज अंग्रेज सिपाही मेरे बेटे और बहू को जबरदस्ती उठा कर ले गए महाराज महाराज उनका कोई कसूर भी नहीं था और हमारा घर भी जला दिया महाराज मदद गोपाल देव राजकीय कोष से इन सबकी मदद की जाए बात होगी भाई बात होगी माफी दे भाई लाल साहब अफसर है फिरंगी
भोली चंदी भीतर भीतर बड़ा रे हरामी सूरत है बस भोली चंदी लेफ्ट राइट दाए बाए गाली देता धाए धाए लेफ्ट राइट दाए बाए गाली देता धाए धाए जी में तो आता है मेरे दागू गोली कर दू भाई जी में तो आता है मेरे दागू गोली कर दू भाई थारी तरह माई तरह पर गधे हो गए भाई एक ही रंग चिट्टे मतलब ये सारे अंग्रेज गधे थोड़े दिन पहले की बात बताऊ एक खासा पढ़ा लिखा और तीसरी कमान पास भाई सुबेदार ने कह दी प्रेयर शुरू कर सबने प्रेयर शुरू कर दी एक दो एक एक दो एक भाई जो खासा पढ़ा लिखा था ना इसने कर दी एक दो तीन चार पाँच छह भाई फेर के सुबेदार ने मार कर पिछवाड़े का पार कर दिया भाई किसी बात पे अर्ज किया भाई उन्होंने सोचा था जिस सुबेदार ने गिनती सुना के कर दूंगा मैं कमाल सुबेदार ने गिनती सुना के कर दूंगा मैं कमाल ऐसा हंटर पड़ा पिछवाड़ा हो गया लालम लाल वापस हमारा
मैं तो काम करूं था सफाई का, गलती से पहाड़ी जूते का गोरे में गिर, जूते में गिर गया तो माफ बैठ गई, गलती गलती गाड़ी देने लग गया, मेरे सही नहीं गई भाई, मेरे से गुस्सा आ गया, मेरे सारे बंदूक चिड़िया गोली मार दी, मैं क्या करूं, मैं कहां भाग जाता भाई, मैं किसी को कुछ नहीं कहूंगा, सरेंडर कोड़ी करता, चले पांच छह लोग ठोक दूंगा, सरेंडर नहीं करूंगा, मैं भाई को समझा इसने, मेरी बात सुन, मैं सरेंडर नहीं करूंगा, मेरी बात समझ, मैं सरेंडर नहीं करूंगा, अगर तू भागा तो वो तेरे साथ साथ हम सबको मार देंगे, तेरा घर तो चलेगा, तेरे साथ साथ हम सबका घर भी चलेगा, सारी तैयारियां हो चुकी हैं, आजादी की लड़ाई का बिगुल कभी भी बच सकता है, तब तक हमें जब करके रहना है भाई, तू जानता है अगर तू भागा तो सर्च ऑपरेशन शुरू कर देंगे और हमारी सारी प्लानिंग पकड़ी जाएगी, हम इस देश के वीर सिपाही हैं, इस देश के लिए अपनी जान तक दे सकते हैं, और हो सकता है जब तक वो तेरे साथ कुछ करें हम तुझे बचा ले भाई, बचा ले तुझे, लेकिन अगर अगर नहीं बचा पाए समझ लेना तू, तू शहीद हो गया मेरे भाई, साथी साथी साथी
सके गोली मार दी और वहां से भाग निकले। वो हमारे साथ जानवरों जैसा सलूक करते थे और यहां पर आपके साथ। वो वहां हमें प्रताड़ित करते थे और यहां आपको। हमसे बर्दाश्त नहीं हुई और हमने जंग छेड़ी। मैं आप सबसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, क्या आप सबको नहीं लगता कि भगवान ने हम सबको एक मौका दिया है कि हम एक एक गोरे अंग्रेज को यहां से मार भगाएं? पूरे देश में स्वतंत्रता संग्राम छिड़ चुका है। हम 400 सिपाही हैं, 400। हमारे पास असला है, बारूद है। अगर आप लोग हमारा साथ देना तो हम एक एक गोरे को यहां से खदेड़ के रख देंगे। अगर यही बात है तो सदरुद्दीन पीछे नहीं हटेगा। आजादी की इस जंग में सदरुद्दीन मर मिटेगा लेकिन कदम पीछे नहीं हटाएगा। फौज उन्हें कह दे ये गांव के चारों तरफ फैल जाए। घबराइए नहीं, वो हमारे किसानों और कारीगरों की फौज है जिसे मैंने खुद तैयार किया है। और हम भी तो कब से यही चाहते थे कि कब अंग्रेजी फौज से हमारा सामना होगा। आज वो समय आ गया अंग्रेजों के कोटे तोड़ने का। फौज ने कह दे के गांव की घेराबंदी कर ले। अपना आदमी होवे ना तो उसे भीतर ले आओ। कहीं अंग्रेजी फौज दिखे ना तो शहर बन के टूट पड़ो सड़ों के ऊपर। छोरी गांव में माँ बहन ने बोल दे फौजी आए हैं, खान का प्रबंध करें। जी आप लोग विश्राम कीजिए। कमला बिमला खान का प्रबंध करो, फौजी आए हैं। आजादी का लिखेंगे ऐसे हम परवाने, बंदूक उठा के चल पड़े हम आजादी के दीवाने। गीत आजादी का लिखेंगे ऐसे हम परवाने, वो जब तक की है सांस जिस्म में बढ़ते कदम तो अब ना रुकेंगे। कतरा कतरा लहू जिस्म का माटी को सलाम करेंगे, कतरा कतरा लहू जिस्म का माटी को सलाम करेंगे, कतरा कतरा लहू जिस्म का माटी को सलाम करेंगे। बिल्कुल ना हम अनजाने बंदूक उठा के चल पड़े हम आजादी के दीवाने। आजादी का लिखेंगे ऐसे हम परवाने, बंदूक उठा के चल पड़े हम आजादी के दीवाने। गीत आजादी का लिखेंगे ऐसे हम परवाने, गुलामी की जंजीर कटेगी जुल्म की हर शय मिटेगी। अगले मौसम आजादी में अब हमारी दिन रात कटेगी, अगले मौसम आजादी में अब हमारे दिन रात कटेगी, अगले मौसम आजादी में अब हमारे दिन रात कटेगी। कुएं से पानी भर लेगी गाँव की कोई मतवाली, कुएं से पानी भर लेगी गाँव की कोई मतवाली, कुएं से पानी भर लेगी गाँव की कोई मतवाली। गीत खुशी के है गाने हम लड़ेंगे साथी, ना थकेंगे साथी ना रुकेंगे साथी, हम जीतेंगे जीतेंगे हम लड़ेंगे साथी, ना थकेंगे साथी ना रुकेंगे साथी, हम जीतेंगे जीतेंगे। घी के दीवाने गीत आजादी का लिखेंगे ऐसे हम परवाने, हम लड़ेंगे साथी हाँ, ना थकेंगे साथी हाँ, ना रुकेंगे साथी हाँ, हम जीतेंगे जीतेंगे। ये जुल्मो सितम की रीत तुम्हारी, लिखी हुई तहरीरें, ये दर्द से बोझला है, ये मौत की जिंदा तस्वीरें, खौफ बनकर निगाहों में तैरने वालों, आबो हवा में सिहत जहर घोलने वालों, कब तक रोशनी को डसते रहोगे?
करोगे। देखो कि हमने जुल्म और सितम के साए तले रोशनाए चिराग किया है, अपनी लहू की रोशनाई से किताबे आजादी का आगाज किया है। अगले मौसम जब कोयल कूके बागों में और खेतों में फसलें लहराएं, गीत आजादी वाला गाना जब भी याद हमारी आए, जब भी याद हमारी